हेलो दोस्तों, हम हर रोज एक्सचेंज को यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टिंग के लिए, बट आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन्हीं एक्सचेंज में से किसी एक एक्सचेंज का आईपीओ आने वाला है। अब आप सोचोगे कि दो तो एक्सचेंज हैं, एक है बीएससी और दूसरा है एनएससी। बीएससी तो ऑलरेडी पब्लिकली लिस्ट है, तो बची कौन सी? एनएससी। तो आज इस वीडियो में हम एनएससी एक्सचेंज की आईपीओ डिटेल्स, उसके बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल्स तीनों को कवर अप करेंगे। इनफैक्ट वीडियो में मैं आपको प्रो टिप्स भी दूंगी कि आप कैसे अपने आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि याद रखो इन्वेस्टिंग में हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये एक्सचेंज 1992 में बनाया गया था और 1994 का ये पहला एक्सचेंज था जिस पर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। इस एक्सचेंज पर 4 सेगमेंट्स में ट्रेडिंग शुरू हुई: कैश मार्केट, डेट सेगमेंट, डेरिवेटिव एंड इंडेक्स सिक्योरिटीज। फिर 1993 में ये एक्सचेंज सेबी के द्वारा रेगुलेट किए जाने लगा। ये एक्सचेंज वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सचेंज है जिस पर नंबर ऑफ ट्रेडर्स इन इक्विटी सबसे ज्यादा थे। फिर बाद में इसकी काफी ज्यादा सब्सिडरीज बनी, जैसे कि एनएससी क्लियरिंग, एनएससी आईटी, एनएससी इंफोटेक एंड सो ऑन। 2016 में इसका इंटरनेशनल एक्सचेंज बनाया गया गुजरात के गिफ्ट सिटी में, दैट इज एनएससी आईएफएससी लिमिटेड। तो ये तो बातें होगी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अब हम जानते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल्स। तो बेसिकली कंपनी आईपीओ के थ्रू 10,000 करोड़ तक का फंड रेज करने वाली है, बट अभी सेबी ने बोला है कि ये इस आईपीओ को डिले करेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने भी ये न्यूज सुनी होगी कि एनएससी के जो सीईओ हैं, दैट इज चित्रा राम कृष्णा, ने एक्सचेंज के जो काफी ज्यादा सिक्योरिटीज थी उनके रूल्स को वायलेट कर दिया था, जिसके कारण उनके अगेंस्ट केस फाइल किए गए थे इनकम टैक्स और सीबीआई के द्वारा। इसीलिए ये आईपीओ डिले हो सकता है। यदि हमें फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट जरूर कर देंगे। अब हम जानते हैं कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स। उससे पहले यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम जानते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पर मैंने 2015 से लेकर 2022 तक का डेटा लिया है, जिसमें कंपनी की रेवेन्यू, एबिटा, ओपीएम, पैट कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं। ओपीएम का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और पैट का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यदि हम एनएससी को बीएससी एक्सचेंज के साथ, जो कि इसका कॉम्पिटिटर है, उसके साथ भी कंपेयर करें तो रेवेन्यू और पैट जो एनएससी एक्सचेंज का है वो बीएससी एक्सचेंज के कंपैरेटिव काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। हाँ, मेन जो बात रह गई थी कि प्रो टिप्स कि आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो उस वीडियो को लेफ्ट साइड पे क्लिक करके चेकआउट कर लेना। Till then, thank you. Bye-bye.